हेलो एवरीवन, दिस इज मिया सावरी और मैं आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। जी हाँ, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ माँ चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करने। दर्शन करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा रास्ते का व्यू दिखा देती हूँ। सीतापुर रोड से जब आप लेफ्ट मुड़ोगे तो आपको 11 किलोमीटर अंदर जाना होगा। तो ये वही रास्ता आपको दिख रहा है जिससे मैं अंदर की ओर जा रही हूँ। अंदर जाते टाइम आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे ट्रैफिक भी मिल जाएगा और बस आप ऐसे ही जा सकते हो अंदर के रास्ते से। एंड बस हम लोग अब पहुंचने वाले थे और अब हम बस पहुंच ही गए। इसके बाद हम लोगों ने माता रानी के दरबार में देखिए हम पहुंच ही गए हैं, दर्शन किए। दर्शन करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कितनी ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी और उस दिन इतनी गर्मी भी हो रही थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं, मैं आपको बस वही व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर आप जो चुन्नियाँ देखेंगे, यहाँ पे लोग ऐसा माना जाता है कि आप चुन्नी में चुन्नी बांधोगे और अपनी कोई भी विश मांग सकते हो। सो हाँ, एंड देन आप ये देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। मैं बस ये रिकॉर्ड मैंने इसलिए किया है कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ कि कितनी भीड़ होती है। नवमी के दिन मैं यहाँ पर आई थी और बहुत भीड़ थी। यहाँ पे दर्शन करने के लिए माता रानी को पेड़े चढ़ाए जाते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार पेड़े यहाँ से खरीद सकते हैं, जितना भी आपको लेना है। तो बस वही, पहले मैंने वो प्रसाद लिया यहाँ से। यहाँ पर आप अपना जो भी स्लीपर वगैरह है आप यहाँ पे साइड में उतार करके प्रसाद ले सकते हो और माता रानी को जाकर चढ़ा सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे लाइन पे लग गई थी प्रसाद लेके चढ़ाने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। ये मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और माना जाता है कि आप यहाँ पर अगर दर्शन करने आओगे तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। और काफ़ी लोग बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते भी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे भोले बाबा का भी बहुत बड़ी सी मूर्ति है जो कि बहुत ही भव्य है। अभी मैं वहाँ पे भी दर्शन करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, भगवान शिव जी की विशाल प्रतिमा आपको देखने को मिल रही होगी। ये प्रतिमा जो है एक बहुत बड़ा सा तालाब है, उसके सेंटर पे बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी मैं अभी आपको लाइन दिखा देती हूँ कि कितनी लंबी लगी हुई। देखिए, यहाँ से वहाँ तक मतलब बहुत भीड़ थी उस दिन। दर्शन करने के बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स छोटी बड़ी दिख जाएंगी और यहाँ पर आप की रिंग रिंग और मोस्टली इयर रिंग्स वगैरह यहाँ बहुत मिलती हैं, आप खरीद सकते हो, छोटे मोटे बच्चों के खिलौने भी। देन हम लोग को भूख लगी थी और हम लोगों ने खाए छोले भटूरे, मेरा फेवरेट है। देन हम लोग वहाँ से निकल गए वापस घर की ओर। तो बस अब हम लोग जा रहे थे घर। रास्ते में हम लोग को एक कैफ़े टाइप का दिखा जिसका नाम था बन मक्खन चाय। हालांकि मुझे कुछ मीठा नहीं खाना था, बट हम लोग यहाँ पे कुछ मैगी वगैरह खाने के लिए रुक गए और खाई मैगी, टेस्टी सी।
बताइएगा।